ये आपका राइट वर्ड पैराबोला है। राइट वर्ड पैराबोला के अंदर जो होता है ये आपका फोकस होता है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या होती है, तो फोकस होता है ए कॉमा जीरो। ठीक है, कितना होता है फोकस, ए कॉमा जीरो। अब इसमें फोकस से जो लाइन पास होती है उसको लेटस रेक्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम, ये आपका टू ए आ गया, ये भी कितना आ गया टू ए। ठीक, लेटस रेक्टम की जो लेंथ होती है वो फोर ए होती है। कितनी होती है लेटस रेक्टम की लेंथ? फोर ए। ये फोकस है, फोकस के क्वाड्रेंट होते हैं ए कॉमा जीरो। तो पैराबोला की इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए। पैराबोला की फर्स्ट, ये राइट वर्ड पैराबोला की इक्वेशन कितनी है, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स। फोकस होता है इसका ए कॉमा जीरो, यहां से ए डिस्टेंस पे। ये इसका वर्टेक्स होता है जीरो कॉमा जीरो, वर्टेक्स होता है जीरो कॉमा जीरो। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी होती है फोर ए। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, एक्सिस ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ये राइट हैंड पैराबोला है, ये राइट फुट पैराबोला। ठीक है, अंदर ये किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। जैसा ऊपर बन रहा है ऐसे ही नीचे बन रहा है, तो इसमें किसके अलोंग है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। जितनी डिस्टेंस पे डायरेक्ट्रिक्स जो होती है आपका ये लेटर सेक्टर होता है, इसके जस्ट सेम डिस्टेंस पे पीछे एक लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, जितनी डिस्टेंस पे फोकस होता है उससे जस्ट सेम डिस्टेंस पे डायरेक्ट्रिक्स होती है। ये किसके पैरेलल है, ये पैरेलल है आपके वाई एक्सिस के। तो वाई एक्सिस के जो पैरेलल इक्वेशन होती है वो होती है एक्स इक्वल टू सेंटीमीटर होती है सर, तो एक्स इक्वल टू माइनस ए आएगा। डायरेक्ट्रिक्स कितनी होती है सर, जितनी डिस्टेंस पे फोकस होता है उतनी डिस्टेंस पे डायरेक्ट्रिक्स होती है। अगर ये ए डिस्टेंस पे तो डायरेक्ट्रिक्स पे कितने पे होगी, ए पे। लेकिन ये क्योंकि किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इक्वल टू समथिंग, एक्स इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया। ठीक है, अंतर राइट वर्ड पैराबोला की इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स। फोकस होता है ए कॉमा जीरो, वर्टेक्स होता है जीरो कॉमा जीरो। लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम कितनी होती है फोर एक्स। जो लाइन फोकस से पास होती है वो लेटर सिस्टम कहलाती है। लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम कितनी आ गई फोर ए। किसके लोगे, एक्स एक्सिस के लोग, क्योंकि जैसा ऊपर बन रहा है वैसे क्या बन रहा है नीचे। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितनी आ गई, एक्स इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, यहां तक शेयर, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट आपका लेफ्ट वर्ड पैराबोला। देखो ये आपका जो पैराबोला इधर बन रहा था आपकी बार, वो इधर बनेगा, यह आ गया आपका डायरेक्ट्रिक्स। तो जो राइट राइट लेफ्ट वर्ड पैराबोला है इक्वेशन उसकी होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का फोर ए। उसकी वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स थी, इसकी कितनी होगी वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर एक्स, ए माइनस आ गया। इसका फोकस पे कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, माइनस ए जीरो, वेरी गुड, माइनस का ए कॉमा जीरो। ये इसका फोकस आ गया ए डिस्टेंस पर, तो इसका फोकस कितना आ गया, माइनस का ए कॉमा जीरो। ठीक, जितनी फोकस से एक लाइन पास होती है जिसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेटर सेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम कितनी होती है, माइनस फोर ए। नहीं, लेंथ कभी नेगेटिव में नहीं आती, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम कितनी आएगी फोर ए, फोर ए। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम कितनी आएगी फोर ए, कोई दिक्कत यहां तक, टू ए ऊपर होगी और टू ए कब होगी नीचे होगी, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट, जितनी डिस्टेंस पे लेटर सेक्टम होता है फोकस उतनी डिस्टेंस पे क्या होती है डायरेक्ट्रिक्स। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितनी होगी, एक्स इक्वल टू ए, क्योंकि अगर फोकस माइनस में आ गया तो डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव आ जाएगी, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी एक्स इक्वल टू ए। बोलो कोई दिक्कत नहीं आता। और वर्टेक्स क्या होंगे इसके, जीरो, वर्टेक्स होंगे जीरो का होंगे। तो क्या आ गई इक्वेशन हमारी पैराबोला की, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर एक्स, फोकस हो गया माइनस ए कॉमा जीरो, लेंथ का भी नेगेटिव भी नहीं आती, तो लेंथ हो गई लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम फोर ए। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितनी होगी, एक्स इक्वल टू ए, और वर्टेक्स कितना आ गया जीरो कॉमा जीरो। लेटर सिस्टम अलोंग द एक्सिस रहेगा, हाँ, अब ये किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। कोई दिक्कत यहां तक।
देखो अपवर्ड पैराबोला क्या है, ये आपका अपवर्ड पैराबोला है। अपवर्ड पैराबोला में पैराबोला ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है। अपवर्ड पैराबोला की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई, क्या होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई। फोकस यहाँ पे होगा, बताओ फोकस की कोऑर्डिनेट कितने होंगे, जीरो कॉमा ए, क्योंकि वाई एक्सिस पे आ गया, तो फोकस कितना होगा जीरो कॉमा ए। फोकस से क्लाइंट बात होती है जिसको लेटर सिस्टम बोलते हैं, लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम कितनी होगी, लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम हर किसी में फोर रहेगी। फोकस क्यों चेंज हो गया, क्योंकि फोकस वाई एक्सिस पे आ गया, ये लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम आ गया, ये फोर ए, फोकस हो गया जीरो का माइन, इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई। अब आपके पास आ गया यहाँ पे जितनी डिस्टेंस पे फोकस है उसकी सेम डिस्टेंस पे क्या होगी पीछे डायरेक्शन, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितनी होगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी पैरेलल टू किसके एक्स एक्सिस पे, क्योंकि ये तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस में डायरेक्ट्रिक्स वाई इक्वल टू माइनस एक्स, और ये किसके अलोंग होगा पैराबोला अलोंग वाई एक्सिस। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आ गया। पैराबोला की इक्वेशन कितनी है एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई, फोकस कितना है जीरो कॉमा है, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर में फोर ए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वाई इक्वल टू माइनस है, और किसके अलोंग है अलोंग वाई एक्सिस। फॉर्मूले याद हो गए, कॉपी हो गई सुइया, सूजन कर लिए कॉपी, तमन्ना नेक्स्ट है आपका डाउनवर्ड पैराबोला, ये आपका डाउनवर्ड पैराबोला है। डाउनवर्ड पैराबोला में इक्वेशन होती है इसकी, इक्वेशन ऑफ डाउनवर्ड पैराबोला इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितनी आएगी माइनस का फोर बाई, क्योंकि नीचे की तरफ आ गया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया माइनस फोर बाई। यहाँ पे फोकस होता है तो इसका फोकस होगा आपका जीरो कॉमा माइनस एट, फोकस से क्लाइंट बात होगी उसको क्या बोलेंगे लेटर सेक्टर, तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर कितनी होगी, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर कितनी होगी फोर ए, कितनी आएगी लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर फोर ए, इक्वेशन ऑफ वर्टेक्स कितना होगा वही जीरो कॉमा जीरो, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितनी आएगी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल्स टू माइनस सॉरी a, और किसके अलोंग है अलोंग y एक्स, ठीक है। यहां तक ये आपका पैराबोला आ गया, पैराबोला की इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस फोर ए वाई, फोकस है आपका जीरो कॉमा माइनस है, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम फोर ए, वर्टेक्स होगा जीरो कॉमा जीरो, डायरेक्ट्रिक्स होगी y इक्वल्स टू a, अलोंग किसके y एक्सिस के, तो पैराबोला के सारा फॉर्मूला होगा, ठीक है सर। हाँ जी हम निकालो एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 11.2। हाँ जी कॉपी हो गए, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है 12 एक्स है। देखो इसमें सिंपली कुछ नहीं करना हमें, एक तो बता दें इसमें इनिशियल का फॉलोइंग इक्वेशन में 1 टू 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, फोकस के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, एक्सिस बताने पैराबोला का, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है, लेंथ ऑफ क्या निकालनी है लेटर सिस्टम बताइए। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 12x को हम कंपैरिजन करेंगे y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x से, क्योंकि राइट वर्ड पैराबोला ना y स्क्वायर इक्वल्स टू 12x, तो 4a इक्वल्स टू कितना आ गया आपका पहला आ गया, कितना आ गया आपका 3 हो गया, अब इसमें फोकस पूछा उसने, तो फोकस पे कोऑर्डिनेट होते हैं 3.0, तो कितना आ गया आपका 3.0, उसके बाद पूछा उसने एक्सिस, एक्सिस किसके लॉन्ग होगा
x-axis. Along x-axis. The equation of directrix is equal to x equals to minus 3. अब उसके बाद पूछे उसने equation of directrix. Minus 3. Equation of directrix कितनी होगी? Minus 3. कितनी होगी? Minus 3. x equals to minus 3. तो यह आएगा x equals to minus 3. लेंथ ऑफ ग्रेटर सेक्टम क्या होती है? लेंथ ऑफ ग्रेटर सेक्टम 4a. तो 4 into 3 कितना आ गया? 12 यूनिट आ गया. आगे समझ में? y square equals to 12x. कंपैरिजन कर लिए y square equals to 4x से. 4 equals to 12 तो a आ गया आपका 3. तो फोकस हो गया a comma 0 that is 3 comma 0. किस एक्सिस के लॉन्ग कर रहा है? लॉन्ग x एक्सिस. तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितनी होगी? x equals to minus x equals to minus 3 आ गया. लेंथ ऑफ ग्रेटर सेक्टम कितनी आ गई? 4a. तो 4 into 3 कितना आ गया? 12. ठीक है यहाँ तक? क्लियर है तक? तो y square equals to 12x होगी. सारे क्वेश्चन ऐसे होने हैं. तो y square equals to 4x. तो 4a equals to कितना आ गया? 12. ये आ गया आपका 3. फोकस आ गया आपका a comma 0 that is 3 comma 0. अलोंग किसके x एक्सिस के अलोंग? क्योंकि y स्क्वायर इक्वल्स टू पैरा 4x आपका राइट फुट पैराबोला होता है. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितनी आ गई? x इक्वल्स टू माइनस 3. तो x इक्वल्स टू कितना आ गया? माइनस 3. लेंथ ऑफ ग्रेटर सेक्टम कितनी आ गई? 4a. दैट इज 4 * 3 कितना आ गया? 12. ठीक है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद करना है. x स्क्वायर इक्वल्स टू 6y है. चलो x स्क्वायर इक्वल्स टू 6y करते हैं. लग कर दो इसे. x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है? 6y. तो इसको हम कंपैरिजन करेंगे x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay से. सर एक चीज पूछनी थी. अगर हमारा a - 2 आ रहा है बट डायरेक्ट्रिक्स में निकाला a इक्वल्स टू मतलब x इक्वल्स टू a तो सर माइनस 2 लिखा है उसके बाद 4a इक्वल्स टू कितना आएगा? 6. a कितना आ जाएगा? 6 अपॉन 4 कितना आ गया? 3/2. x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay से कंपैरिजन किया तो आ गया आपका 4a इक्वल्स टू 6. तो a कितना आ गया? 3/2. तो इसका फोकस होगा आपका 0.8 उसके बाद उसमें निकालने में लेंथ ऑफ ग्रेटर सेक्टम आ गया. फोकस आ गया. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कौन सा वाला पैराबोला है? आपका अपवर्ड पैराबोला है. तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो y इक्वल्स टू कितना आ गया? माइनस 3/2. तो सही है. फोकस आ गया. लेंथ ऑफ ग्रेटर सेक्टम आ गई. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई. बचा क्या? अलोंग किसके एक्सिस के अलोंग? अलोंग y एक्सिस. क्योंकि ये अपवर्ड पैराबोला है. कौन सा पैराबोला है? अपवर्ड. तो किसके अलोंग है? एक्स y एक्सिस के अलोंग. ठीक है. एक क्वेश्चन नेगेटिव वाला कर देते हैं और उसके बाद आपको कुछ करना है. सारे पार्ट y स्क्वायर इक्वल्स टू थर्ड क्वेश्चन दे रखा है. y स्क्वायर इक्वल्स टू हमें 8x माइनस का 8x. तो उसमें हम कंपैरिजन किससे करेंगे? y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4x से कंपैरिजन करेंगे. तो यह आ जाएगा 4a इक्वल्स टू 8. a कितना आ गया आपका 2. तो इस वाली इक्वेशन का जो फोकस होता है यह आपको कौन सा वाला पैराबोला है? लेफ्टवर्ड पैराबोला है. उसका फोकस होता है माइनस का 1.0. क्या आ गया आपका? माइनस का 2.0. वर्टेक्स क्या हो गया इसका? वर्टेक्स हो गया इसका 0.0. फोकस माइनस 1.0 तो फोकस आ गया माइनस के 2.0. वर्टेक्स हो गया 0.0. इसके अलोंग है अलोंग एक्स एक्सिस. अलोंग एक्स एक्सिस इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. क्या है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स? माइनस x इक्वल्स टू माइनस पैरेलल टू y एक्सिस आएगा ना. तो 2 माइनस में आने वाला क्यों? ये आपका लेफ्ट फुट पैराबोला है. इधर आएगी डायरेक्ट्रिक्स तो क्या आएगी? x इक्वल्स टू 2 आएगी. समझ गया. ये क्वेश्चन का सही है. ठीक है यहां तक? अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 5 6 खुद करो इसके अपने आप.